दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में एजीबैक्ट सोम जी सिरप के बारे में। भाई क्या है, कौन सी प्रॉब्लम में दी जाती है, किस तरह से काम करती है, डोज कितनी होती है, साइड इफेक्ट क्या है, जानेंगे सब कुछ। हो देखिएगा, देखिए एजीबैक्ट सोम जी सिरप एक ब्रांड नेम है इप्का कंपनी का, इप्का कंपनी बनाती है दोस्तों। इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं छोटे बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चा एक साल से लेके चार से पाँच साल तक का है तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। सेल्फ यूज नहीं की जाती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लगभग हर दवाई की दुकान पर, हर केमिस्ट स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। काफ़ी फेमस ब्रांड है, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता है। बात करें भाई कहाँ दी जाती है, तो दोस्तों इसके अंदर आता है एजिथ्रोमाइसिन 100 मिलीग्राम। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक जो भी होता है वो इन्फेक्शन में दिया जाता है, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए दिया जाता है दोस्तों। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण काफ़ी सारी समस्या बच्चे को हो जाती है, जैसे कि खांसी से जुड़ी समस्या, जुकाम से जुड़ी समस्या, अगर नाक से पानी आ रहा है, नाक बंद है, नाक के अंदर कफ है, तो वहाँ दी जाती है दोस्तों। इन्फेक्शन गले में भी हो सकता है, शॉर्ट थ्रोट हो सकता है, शॉर्ट एरिटेशन वगैरह, गले में सूजन रहना, खिचखिच रहना, ठीक है, टॉन्सिल्स में सूजन आना, ये इसके होते हैं सिग्नल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। तो गले की प्रॉब्लम में भी अच्छा काम करती है एजिथ्रोमाइसिन सीरम। खांसी की प्रॉब्लम में दी जाती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, या फिर मुकस जमा हो जाता है फेफड़ों के अंदर, कफ जकड़न हो जाता है, निकलता नहीं है, तो वहाँ पर भी एंटीबायोटिक ये अच्छा काम करती है, कफ को ढीला कर बाहर निकालने के लिए अच्छा काम करती है कफ की प्रॉब्लम में। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बच्चों के आँख में इन्फेक्शन है, आँख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, कान में कोई फोड़ा फुंसी है, कान में इन्फेक्शन है, कान से पानी आ रहा है, तो वहाँ पर भी एंटीबायोटिक रूप में दी जाती है। बात करूँ भाई किस तरह से काम करती है, तो दोस्तों ये एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होता है बैक्टीरिया किलर है, बैक्टीरिया को खत्म करता है, साथ ही साथ ये उन प्रोटीन्स को बनने से रोक देता है जिन प्रोटीन को खाकर बैक्टीरिया अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं, जिससे कि वो सारे सारे खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से ये काम करती है। डोज की बात करें तो बच्चे का बॉडी वेट देख के, बच्चे की एज देख के डोज जो होती है ये डॉक्टर बता देते हैं, लेकिन एक इसकी नॉर्मल डोज होती है 5 ml रात को खाने के बाद दी जाती है, रात को, दिन में एक बार दी जाती है। हो सकता है कुछ डॉक्टर 2.5 ml दिन में 2 बार भी देते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। बॉडी वेट के हिसाब से, ट्रीटमेंट के हिसाब से ये सब कुछ देखा जाता है। बात करूँ भाई साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो थोड़े बहुत हो सकते हैं एलोपैथी मेडिसिन, जैसे कि बच्चे को नींद आने में दिक्कत होना, स्किन रेशेज हो जाना, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना, वोमिट कर देना बच्चा, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। डायरिया भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम चांस में होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। सावधानी बच्चे ये कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट की देखरेख में बच्चे को देना है, सेल्फ यूज नहीं करना है। देने के बाद अगर बच्चे को कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसके बारे में डॉक्टर को बता दीजिएगा। तो ये था संपूर्ण रिव्यू, वीडियो का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी समझो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं।